हेलो एवरीवन, आज हम एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कंप्यूटर एंड डिफ्लेक्शन मेथड की हमारी यूनिट है प्रोग्रामिंग इन केमिस्ट्री। इसका हमारा एक टॉपिक है कंप्यूटर कोड फॉर वांडरवाल इक्वेशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है कंप्यूट प्रेशर ऑफ रियल गैस यूजिंग वांडरवाल गैस इक्वेशन। तो आज हम कंप्यूटर कोड लिखेंगे, यानी कि सी कोड लिखेंगे वांडरवाल गैस इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले कोड लिखने से पहले हमें इसमें प्रिसिडेंस किस प्रकार दी जाती है और एसोसिएटिविटी रूल क्या होता है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसा हमारा कोई मैथमेटिकली इक्वेशन होती है, जैसे कि 1 + 2 - 3 डिवाइडेड बाय 4 या फिर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, बोडमास रूल लगा के इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। बोडमास रूल से हमें क्या पता चलता है कि किसको हमको प्रिसिडेंस देनी है। पहले हमारे को ब्रेकेट सोल्व करना है, फिर हमारे को ऑफ सोल्व करना है, फिर हमारे को क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो उसी टाइप से हमारा जो कंप्यूटर है, मतलब कि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है, उसमें भी प्रिसिडेंस होती है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में क्या होता है कि सबसे पहले प्रिसिडेंस जो होती है एस्टेरिस, यानी कि जो स्टार मार्क है, ये किसके लिए ये काम में लिया जाता है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो इसको प्राथमिकता दी जाती है, और स्लेश जिसको हम डिवाइड के लिए काम में लेते हैं उसको प्राथमिकता दी जाती है, और मॉड्यूलो को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो हमारे फर्स्ट प्रिसिडेंस होती है वह हमारे स्टार, स्लेश और मॉड्यूलो को दी जाती है। ठीक है, मॉड्यूलो जो होता है हमारा, ये क्या करता है, काम आता है रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो प्रिसिडेंस दी जाती है वो हमारे प्लस और माइनस को दी जाती है, और उसके बाद में इक्वल टू को दी जाती है। ठीक है, अब यदि कोई इक्वेशन में क्या हो, हमारे सेम प्रिसिडेंस के जो हैं साइन जो हैं साथ में आ जाएँ, जैसे कि स्टार, स्लेश, ये सब साइड में साथ में आ जाते हैं, तो हम जो हमारा एसोसिएटिविटी रूल होता है उसके अनुसार जो होते हैं इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है कि हमें क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट चलना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पर हमको चलना है। अगर इक्वेशन जो होगी यहाँ से लेके हम यहाँ तक सोल्व करेंगे, जैसे मान लो 2 × 2 है, ठीक है, तो इधर से हम चलेंगे तो हम 2 × 2 करेंगे। अब फिर जो अगर हमारे ये स्लेश 4 आ जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 4 आ जाता है, तो पहले जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको जो है लेफ़्ट टू राइट चल के इक्वेशन को सोल्व करना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे वांडरवाल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है। तो वांडरवाल गैस इक्वेशन जो होती है हमारी, वो होती है हमारी P + An² / V² V - NB = nRT। ठीक है, यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और N जो है मोल ऑफ गैस है, और A जो है और B है, ये क्या होते हैं, वांडरवाल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, B क्या होता है, हमारा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर होता है, और A जो होता है हमारा वांडरवाल कॉन्स्टेंट दैट मेजर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस टाइप से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं ताकि हम जो है कंप्यूटर कोड, यानी कि जब सी कोड लिखें तो इसको इजीली इक्वेशन को लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने वापस इक्वेशन लिख रखी है P + An² / V² V - NB = nRT। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा V - NB है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, P + An² / V² हो जाएगी हमारी nRT / V - NB। क्योंकि हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो प्लस में वैल्यू है An² / V², इसको भी हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो क्या होगा, P = हो जाएगा हमारा nRT / V - NB - An² / V². ठीक है, तो अब nRT जो हमारा है और ये पूरी इक्वेशन है, इसको मैथमेटिक फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसको हम सी कोड से, मतलब जो कंपाइलर है उसको कंपाइल कर सकें, तो हम लिखेंगे कोड के अंदर N · R, मतलब कि *R*T। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे V - N · B -An² को हम क्या लिखेंगे, A · N · N, में हम लिखेंगे V · V। ठीक है, V² क्या होता है, V · V। ठीक है, तो इसको हम जो हमने अपोन में लिख रखा है उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड के हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, तो P = हो जाएगा हमारा N*, यानी कि जो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ में लेते हैं हम, N*R*T डिवाइड, मतलब कि जो स्लेश हमारा V - N*B। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट बना रखे हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट इसलिए बना रखे हैं ताकि जो हमारी ये nRT है, ये जो है ये पहले सोल्व हो, फिर उसके बाद जो है ये दूसरा हमारा है V - NB वो सोल्व हो, और फिर इनके बीच में जो है डिवाइड हो। ठीक है, इसलिए हम ये प्रिसिडेंस देने के लिए हमने क्या करा है कि पहले इसको सोल्व करने के लिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसी टाइप से हम जो है हमारी नेक्स्ट जो हमारी है An² को हम क्या लिखेंगे, A*N*N, यानी कि मल्टीप्लाई में है ये, और स्लेश यानी कि डिवाइड V*V, यानी कि V · V। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सी कोड के अंदर लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो हमारा है फ्लो चार्ट। ठीक है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूट द प्रेशर यूजिंग वांडरवाल गैस इक्वेशन,
तो सबसे पहले हमको इसमें वंडरवाल गेज इक्वेशन लिखनी होती है, और फिर इसमें हम कंप्यूटर कोड में इसको कैसे फॉर्मूले को लिखेंगे वो लिखना होता है, और थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद हमको फ्लो चार्ट बनाना होता है कि किस प्रकार से हम ये जो है सी कोड बनाएंगे, और उसके बाद हमको प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा ये सेकंड चीज़ है वो हमारा फ्लो चार्ट, देखते हैं हम फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कोड एडिटर स्टार्ट करेंगे, फिर हम इनपुट लेंगे ए बी और आर। ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है जो गैस के लिए फिक्स रहते हैं, और आर बी एक कॉन्स्टेंट है गैस कॉन्स्टेंट जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 8.314 या फिर 0.0821। ठीक है, इस प्रकार हम क्या है और इनपुट लेंगे एन वी और टी। ठीक है, एन क्या है मोल्स ऑफ गैस है, वी वॉल्यूम है, और टी टेम्परेचर, क्योंकि हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है इसलिए हम प्रेशर को इनपुट नहीं लेंगे। अब प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वंडरवाल गैस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। अब मैंने आपको पहले बता रखा है कि वंडरवाल गैस इक्वेशन आपको कोड के अंदर कैसे लिखनी है, तो इस टाइप से हम इसको टाइप कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे, मतलब कि प्रेशर को प्रिंट करेंगे, और उसके बाद में जो हमारा कोड है वो जो हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा सी कोड है वो लिखते हैं, देखते हैं हम कि सी कोड इसके लिए किस प्रकार से हम लिखेंगे। हम देखते हैं कि हम सी कोड कैसे लिखेंगे, तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वंडरवाल गैस इक्वेशन से कुछ इस टाइप से हम सी कोड लिखते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको ये इंक्लूड stdio.h और ये जो दिख रहा है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमें याद करना होगा। और मैं जो है ये कोड कोडिंग सी ऐप में लिख रहा हूँ जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप ये कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो आप इसे VS कोड एडिटर में भी लिख सकते हैं, और एग्जामिनेशन में आपको यह जो है कॉपी के अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, और कौन आई ओ भी एक लाइब्रेरी होती है जो कि लेकिन स्टैंडर्ड नहीं होती है, और stdio का यूज़ हम स्टैंडर्ड जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, और कौन आई ओ जो हमारी लाइब्रेरी है इसके अंदर भी कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमारे क्लियर स्क्रीन और जो हमारी गेट करेक्टर वाली जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल को कि हम किस टाइप की वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें जो है हमारे पास टोटल पाँच या टोटल हमारे पास छः कंपोनेंट थे, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट थे। पहला था हमारे पास ए और बी जो कि वंडरवाल कॉन्स्टेंट्स हैं, आर जो था हमारा गैस नियतांक था, और वी जो हमारा जो था वॉल्यूम, और टी टेम्परेचर, और पी प्रेशर। ठीक है, और एक एन था जो हमारा क्या था मोल्स ऑफ गैस थे। ठीक है, जो मोल्स ऑफ गैस होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं हमेशा इंटीजर वैल्यू रहती है, मतलब उनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, इसलिए सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले इंट एन, तो जो हमारा एन है यानी कि मोल्स ऑफ गैस वो एक इंटीजियर है। ठीक है, अब इसी टाइप से हम दूसरे भी जो वैल्यू उनको भी डिफाइन कर देते हैं। तो अब हम लिख देते हैं फ्लोट, फ्लोट में क्या होता है डेसिमल वाली वैल्यू भी इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो ए भी हमारा फ्लोट में आ जाएगा, बी भी फ्लोट में आ जाएगा, और आर भी जो है हमारा फ्लोट है। ठीक है, आर हम कैपिटल लिख देते हैं क्योंकि हमारा गैस कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और हमारा वी और टी, ठीक है, और एक हमारा है प्रेशर। ठीक है, तो ये सब हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि इन सब की वैल्यू किस टाइप की है। ठीक है, अब हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है प्रिंट करेंगे कि जो वैल्यू है एन की, ए की और बी की, ये एंटर करने के लिए। ठीक है, तो प्रिंट है, अब यहाँ पे हमने ये फॉरवर्ड स्लैश जो है एन का यूज़ किया है, तो इसका हमने यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये जो प्रिंट एफ का जो आएगा वो अगली लाइन में जो होगा जो भी इसमें हम प्रिंट करेंगे, जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टेंट ए था उसकी वैल्यू में एंटर करवा रहा हूँ अभी। और गिवन गैस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने ये लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए फॉर गिवन गैस, ये क्या होगा नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, अब इसी टाइप से जो हमने इसकी जो ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद में हमको ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो वो ए की वैल्यू जो है किस में हमको स्टोर करनी है वो भी हम जो होता है फंक्शन होता है हमारे स्कैन एफ से उससे जो है लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो स्कैन एफ में है ये जो वैल्यू एंटर की जाएगी ए की, वो हमने पहले डिफाइन करा कि वो फ्लोट वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसको हमको फ्लोट स्टोर भी जो है फ्लोट में करना होगा, तो यहाँ पे हम फ्लोट के लिए जो यूज़ करते हैं वो लिख देंगे, तो ये जो वैल्यू है फ्लोट में स्टोर की जाएगी, एंड इस वैल्यू का जो है वेरिएबल का नाम हम ए दे देंगे। ठीक है, तो
मतलब जो ये वैल्यू है जो एंटर की जाएगी वो इसको फ्लोट के रूप में कंसिडर करेगा और ए के अंदर जो है स्टोर कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ वापस हम यही करेंगे कि एक एक करके सबको जो है प्रिंट करके उनको स्कैन कर लेंगे, सारी वैल्यू को ए की जैसे करी फिर बी की करेंगे फिर वी टी और फिर एन की स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं इसको कॉपी करके दिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये ए की जगह बी कर देता हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे बी की वैल्यू को एंटर करना है, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ लोकेशन। अब यहाँ पे मैं एन की यानी कि मोल ऑफ गैस की वैल्यू ले रहा हूँ, तो हमने पहले डिफाइन करा था कि जो एन है हमारा वो क्या इंटीजर है, और इंटीजर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है परसेंट डी। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ परसेंट डी, और ये जो है एन में स्टोर की जाएगी। और अब हम ले लेते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस वी कैपिटल वी, और इसकी जो वैल्यू है वो भी हम किस में स्टोर करेंगे वेरिएबल वी में। अब इसी टाइप से हम वैल्यू ले लेते हैं टेम्परेचर की, उसको भी हम टेम्परेचर में स्टोर कर देंगे। अब कुछ जो वैल्यू हमको पहले से ही पता थी जैसे कि जो हमारा आर है उसकी वैल्यू हमको पता है, तो आर की वैल्यू हम एज लिख देंगे। तो आर की वैल्यू होती है हमारी 0.0821, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन कर दी, और इसके बाद ये सेमी कुलन लगा देंगे। सेमी कुलन यहाँ पे जो है फुल स्टॉप का काम करता है, जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं वहाँ पे हमको कोड में जो है सेमी कुलन लगाना होता है, ठीक है। तब आर की वैल्यू हमने पहले बता दी है, और सारी जो भी वैल्यू थी हमने एक एक करके इसको यहाँ पे बता दिया है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, एन की वैल्यू हो गई हमारे, वी की वैल्यू हो गई, और टी टेम्परेचर की वैल्यू भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम टी लिख देते हैं टेम्परेचर। अब हमारे पास जो पी है वो हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब पी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल स्लेस इसलिए यूज़ किए हैं, तो ये डबल स्लेस से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है कमेंट इसमें लिख सकते हैं जो कि हमारा कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, तो हमने फॉर्मूला पहले भी देख लिया कैसे बनाया था हमने, जो वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो पी इक्वल टू क्या था हमारे, तो फॉर्मूला जो हमने पहले बनाया था वही लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे केस का हमको ध्यान रखना है कि कैपिटल केस में लिखा है हमने स्मॉल केस में, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसकी अब वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। तो कैलकुलेटेड वैल्यू प्रेशर की क्या है वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे कि जो हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी वो किस में होगी, मतलब कि वो हमारे इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी या फ्लोट, ठीक है। तो हमने पहले ये सब भी वैल्यू फ्लोट में ली है, तो इसकी जो प्रिंट वैल्यू होगी वो भी फ्लोट के अंदर होगी, ठीक है। और उसकी हमने यहाँ पे यूनिट लिख देंगे जो कि हमारी है एटीएम में। अब वैल्यू किसकी हमको प्रिंट करवानी है वो हम ये कोमा के बाद लिख देंगे, ठीक है। तो हमको वैल्यू प्रिंट करवानी है पी की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी, ठीक है। अब लास्ट हम यूज़ करेंगे गेट सी एच यानी गेट करेक्टर फंक्शन का, ठीक है। अब ये गेट करेक्टर क्या यूज़ में आता है, तो गेट करेक्टर क्या करता है कि जब आप प्रिंट करवाओगे वैल्यू और इसको रन करोगे कंपाइलर को, तो इसमें जो वैल्यू जो अब इसका आंसर आ जाएगा फिर भी क्या होगा कि ये क्लोज नहीं होगा जब तक कि आप कोई जो की है वो प्रेस नहीं करो, ठीक है। तो इसलिए यूज़ में लिया जाता है। अब हमारा कोड हम रन करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी एजम्पशंस के हिसाब से वैल्यू रख लेते हैं, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर डाल लेते हैं 1.360, और अब ये पूछ रहे हैं बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू भी हम डाल लेते हैं 0.03186। अब ये पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ एन, तो मोल्स ऑफ गैस क्या है हमारे 6 हैं, और वैल्यू ऑफ वी 5 ले लेते हैं हम, और टेम्परेचर की वैल्यू हम ले लेते हैं 275 केल्विन, ठीक है। तो ये अब हमको बता देगा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पे लिखा रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रेशर इज 26.21, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है। अब आप क्या करोगे, जब हमने लास्ट में वो फंक्शन यूज़ किया था गेट करेक्टर, तो क्या काम करता है कि अभी हम कोई की प्रेस करेंगे तभी एग्जिट होगा। देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है कंपाइलेशन होगी उसके बाद ये एग्जिट नहीं हो रहा है, जब हम कोई बटन प्रेस करेंगे उसके बाद ही एग्जिट होगा, देखो ऐसे एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको जो है कोड लिखना होता है,
और जो सेम ये कोड है यही हमको जो है कॉपी में लिखना है, ठीक है।